नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीहोर में बारिश की वजह से बहे पटवारी का एक शव मिला है और तहसीलदार की तलाश भी अभी तक लगातार की जा रही है। दोनों की कार कल देर रात बह गई थी और प्रशासन फिलहाल तलाश में जुटा हुआ है। और साथ ही साथ सीहोर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है, जहां पर प्रशासन अब तलाश में जुटा हुआ है, वहीं साथ ही बारिश में बहे पटवारी का शव मिल चुका है, लेकिन तहसीलदार की तलाश अभी भी की जा रही है। और दोनों की कार कल देर रात बह गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्रशासन लगातार तलाश में जुटा हुआ है। पटवारी का शव मिल चुका है, लेकिन तहसीलदार की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और इसीलिए लगातार जो सर्चिंग है वो की जा रही है, लगातार पूरे इलाके के अंदर तलाशी की जा रही है और तलाशा जा रहा है तहसीलदार को। और रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों में महंगाई पर चर्चा करेंगे और प्रदेश के सभी कांग्रेस दफ्तरों में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सभी ब्लॉक की मंडियों में जाकर के महंगाई पर चर्चा करेंगे। 10 दिन तक महंगाई के खिलाफ चर्चा होगी और सभी ब्लॉक की मंडियों में जाकर के महंगाई पर चर्चा करेंगे। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता बाजार में महंगाई पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के सभी कांग्रेस दफ्तरों में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा और सभी ब्लॉक की मंडियों में जाकर के महंगाई पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी तरीके से चर्चा करेंगे। 10 दिन तक ये इसी तरीके से ये प्रदर्शन चलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी का महंगाई को लेकर के ये हल्ला बोल अलग अलग इलाकों में चलता रहेगा। सभी ब्लॉक की मंडियों में जाकर के महंगाई पर चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता।